नमस्ते साथियों, मैं सुनंदा कदम जनलोक प्रतिष्ठान की ओर से 15 मई 2018 पीएसएल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जो डेट हुई उस डेट के संदर्भ में विश्लेषण देना चाहती हूँ, क्योंकि सभी राज्य से कॉल आ रहे हैं कि डेट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जिन जिन पार्टियों ने प्रॉपर्टी के लिए प्रपोजल लगाए थे सभी को नोटिस जारी कर दिया है, मतलब जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से जो बायर लगाए थे उसका निपटारा जुलाई में होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को यह ऑर्डर दिया है कि माननीय लोढ़ा कमेटी जो जानकारी सेबी कमेटी के वेबसाइट पर डालेगी, ये सब जानकारी का रिपोर्ट जनलोक प्रतिष्ठान और सभी पार्टीज को मिलना चाहिए, सब ओपन होना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी बेची जा रहे उस पर लीगल निर्बंध लगने का कोर्ट ने निर्णय लिया है, क्योंकि जनलोक प्रतिष्ठान ने माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय लोढ़ा कमेटी, सीबीआई को एप्लीकेशन लगाकर और लेटर द्वारा सूचित किया था अधिकृत रीत्या बैन लगेगा। जनलोक प्रतिष्ठान ने कानूनी कार्रवाई से पहले दिन से कम दाम में बेची जा रही प्रॉपर्टी पीएसएल की बचाई है और 2016 से पीएसएल कंपनी की सभी सब्सिडी कंपनीज की लिस्ट, पीएसएल के अलावा कंपनी की बेनामी प्रॉपर्टी, कमेटी के लिस्ट के बाहर की लाखों एकड़ प्रॉपर्टी की लिस्ट सीबीआई, ईडी, लोढ़ा कमेटी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास लिखित रूप से दिया है। इसलिए आज पीएसएल की सब प्रॉपर्टी सुरक्षित है, सिर्फ कानून से ही ये हो सकता था। भाई और बहनों, प्रॉपर्टी बचेगी तो हमें पैसे मिलेंगे। जनलोक प्रतिष्ठान ने बहुत मेहनत करके सब कुछ स्थिर किया है। जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से भारत के पीएसएल मैटर में काम करने वाले सभी संगठन, निवेशक, फील्ड एसोसिएट सभी को सूचना दी जाती है कि सभी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में जो गैर कानूनी तरीके से पीएसएल की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हुई है, चाहे वो पीएसएल के अलावा किसी के भी नाम हो, तो ऐसी रजिस्ट्री की गई प्रॉपर्टी के सेल लेटर जनलोक प्रतिष्ठान को कुरियर या मेल पर भेजने की तुरंत व्यवस्था करें, क्योंकि उस प्रॉपर्टीज के ऊपर जुलाई में जनलोक प्रतिष्ठान ऑब्जेक्शन लगाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्केट में बहुत सारे लोग माननीय लोढ़ा कमेटी और पीएसएल कंपनी के नाम के बोगस लेटर लेकर घूम रहे हैं, यह कहते हुए कि उन्हें कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने का परमिशन मिला है, लेकिन ये अधिकार अभी तक माननीय लोढ़ा कमेटी के अलावा और किसी को भी नहीं दिया गया है। ऐसे सभी लोगों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की तरफ से कानूनी कार्रवाई होगी। इन लोगों से कम दाम में प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग फंस जाएंगे, उन्हीं लोगों को हम सावधान करना चाहते हैं। पीएसएल प्रॉपर्टी के लेन देन का काम लीगल तरीके से माननीय लोढ़ा कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ही होगा, क्योंकि जनलोक प्रतिष्ठान ने बहुत मेहनत से कम दाम में बेची जाने वाली पीएसएल की प्रॉपर्टी पर कानून से निर्बंध लगाया है। निवेशकों को उनकी रकम मिलनी चाहिए, पैसे सभी निवेशकों को मिलेंगे। निवेशकों को अपना सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की जेरोक्स, बैंक पासबुक की जेरोक्स, ऐसा एक बंच बनाकर रखना जरूरी है। जो भी प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जनलोक प्रतिष्ठान के लीगल प्रोसेस में आप सभी पीएसएल निवेशक सबके हित में साथ देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।